सो गाइज, आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं ओप्पो स्मार्टफोन्स के अपडेट के बारे में। दोस्तों, ओप्पो ने अपनी अपडेट पॉलिसी को लेकर कुछ चेंजेस किए हैं और बताया है कि हमारे स्मार्टफोन्स के अंदर इतने एंड्रॉइड्स के अपडेट मिलेंगे और इतने साल तक आपको सिक्योरिटी पेच के अपडेट्स देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, ओप्पो के ऐसे कौन से स्मार्टफोन हैं जिनके अंदर आपको कंटिन्यूस एंड्रॉइड्स के अपडेट और सिक्योरिटी पेच के अपडेट देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में कंप्लीटली बात करने वाले हैं ओप्पो की अपडेट पॉलिसी के बारे में, जो कि इस साल चेंज करी है 2022 में। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर उसी के बारे में आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें यार, और वीडियो कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, वीडियो बनाया तो यार चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं और यहां पर अपन बात करने वाले हैं ओप्पो के अपडेट पॉलिसी के बारे में। ओप्पो ने भी अपने स्मार्टफोन के लिए अपडेट पॉलिसी को चेंज किया है और बताया है कि हमारे इन सीरीज के इन स्मार्टफोन्स के अंदर आपको इतने तो एंड्रॉइड्स के अपडेट मिलेंगे और इतने सिक्योरिटी पेच के अपडेट देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, ऐसे कौन से स्मार्टफोन्स हैं? तो यहां पर सबसे पहला आता है दोस्तों Oppo Find X सीरीज के स्मार्टफोन, जिनको तीन एंड्रॉइड्स के अपडेट, यानी कि तीन साल तक आपको एंड्रॉइड्स के अपडेट देखने को मिलेंगे। उसके बाद दोस्तों, Oppo Find X सीरीज के अंदर आपको चार साल तक, यानी कि दोस्तों 4 ईयर तक आपको सिक्योरिटी पेच के अपडेट देखने को मिलेंगे Oppo Find X सीरीज के अंदर। उसके बाद दोस्तों, बात करते हैं Oppo Reno सीरीज के बारे में। Oppo Reno सीरीज के अंदर भी आपको जो अपडेट मिलेंगे एंड्रॉइड्स के, वो दो एंड्रॉइड्स के अपडेट देखने मिलेंगे, यानी कि 2 ईयर तक आपको एंड्रॉइड्स के अपडेट देखने को मिलेंगे। और उसके बाद दोस्तों, 4 साल तक आपको ओप्पो रेनो सीरीज के अंदर आपको सिक्योरिटी पेच के अपडेट देखने को मिलेंगे। उसके बाद दोस्तों, ओप्पो के एफ सीरीज के अंदर भी आपको अपडेट देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, 2 एंड्रॉइड्स के मेजर अपडेट देखने को मिलेंगे, यानी कि 2 साल तक एंड्रॉइड्स के अपडेट देखने को मिलेंगे ओप्पो एफ सीरीज के अंदर। उसके बाद आपको 4 साल तक आपको सिक्योरिटी पेच का अपडेट देखने को मिलेगा ओप्पो एफ सीरीज के अंदर। उसके बाद दोस्तों, बात करते हैं ओप्पो की ए सीरीज के बारे में, जो कि काफी लो प्राइस के स्मार्टफोन आते हैं ओप्पो की ए सीरीज के। इस सीरीज के अंदर आपको एक एंड्रॉइड का अपडेट देखने को मिलेगा, यानी कि 1 ईयर तक आपको एंड्रॉइड के अपडेट देखने को मिलेंगे। उसके बाद दोस्तों, 3 साल तक आपको सिक्योरिटी पेच के अपडेट देखने को मिलेंगे ओप्पो ए सीरीज के अंदर। तो दोस्तों, ओप्पो के ऑलमोस्ट सारे स्मार्टफोन आ गए हैं इस पॉलिसी के अंदर। रेनो सीरीज, एक्स, फाइंड एक्स सीरीज, उसके बाद एफ सीरीज और उसके बाद ए सीरीज, इन सभी सीरीज के स्मार्टफोन में कुछ इस तरह से आपको अपडेट्स देखने को मिलेंगे एंड्रॉइड्स के और सिक्योरिटी पैच के। बात करते हैं कलर ओएस के अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, जो एंड्रॉइड्स का अपडेट मिलेगा उसके साथ ही आपको कलर ओएस का भी अपडेट देखने को मिलेगा। और दोस्तों, जो हाल ही में जो अपडेट मिला है कलर ओएस 12 का, तो दोस्तों ओप्पो फाइंड एक्स सीरीज के अंदर, यानी कि X3 और X2 और X2 प्रो और X3 प्रो के अंदर आपको ये जो कलर ओएस 12 का और एंड्रॉइड 12 का है, वो अपडेट डेफिनेटली देखने को मिल चुका है। अगर आपके पास ये फाइंड एक्स सीरीज के स्मार्टफोन है, तो उन स्मार्टफोन के अंदर डेफिनेटली आप ये दोनों ही अपडेट कर सकते हैं। और आई होप कि बहुत जल्दी आपको ओप्पो के और भी अपडेट्स देखने को मिलेंगे। और काफ़ी सारे स्मार्टफोन हैं ओप्पो के, जो कि एफ सीरीज के हैं, ए सीरीज के हैं और रेनो सीरीज के हैं, इन सभी स्मार्टफोन्स के अंदर भी आपको कलर ओएस 12 का और एंड्रॉइड 12 का अपडेट देखने को मिलेगा। बस दोस्तों, इस वीडियो में यही तक ओप्पो स्मार्टफोन्स के बारे में। आपके पास ओप्पो का कौन सा स्मार्टफोन है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। वीडियो में नए आए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक कीजिए।